तो इंडिया में ना सही चीजों को सही ढंग से क्वेश्चन करने की आइडियाज की बहुत ज्यादा कमी है। यहां पर हम अगर चीजों को सही ढंग से क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हेट हेटेड मिलती है। और आज मैं फिर से इस वीडियो में एक ऐसी चीज को क्वेश्चन करने वाला हूं जिसको शायद आज तक किसी बंदे ने नहीं किया होगा। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम विद दिस न्यू बीज भगवत गीता रीडर, जो भगवत गीता को पढ़कर अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मानते हैं, और उनके साथ क्या प्रॉब्लम, पर उसके साथ मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो वीडियो में जितने भी चैप्टर्स है वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टाइम स्टैम्प्स, इफ यू वॉन्ट यू कैन गो चेक एंड स्किप देम आउट। पार्ट नंबर वन, रीडिंग नॉट रिसेप्टिविटी। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना है, वो ये है कि देखो, आई फ्रॉम द कोर ऑफ माई हर्ट रिस्पेक्ट दैट बुक, रिस्पेक्ट दैट होली बुक, बट इट इज जस्ट द प्रॉब्लम विद द आइडियाज ऑफ पीपल हु आर रीडिंग दैट बुक। अभी तो मैं सिर्फ उस आइडिया को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। आई एम इन नो वे intending to harm that book, या फिर I'm not in any way trying to say that कि वो book बेकार है, उसमें कुछ नहीं। No, I respect that book from the core of my heart. Point number one, रीडिंग नॉट रिसेप्टिविटी। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, हमारा क्या है कि मान लो तुम्हारे हाथ में मैंने कोई बुक पकड़ा दी, एक तो होता है कि तुमने उस बुक को उठाया, उसको पढ़ लिया, क्या लाइन्स लिख के उसको ट्रांसलेट कर लिया और समझ लिया, और एक होती है कि तुम उस बुक को उठाओ, उसको पढ़ो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में कुछ ओपिनियंस फॉर्म करो, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, देन समझो। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विद दीज भगवद गीता रीडर्स। वाई आजकल क्या होता है, लोग उस बुक को उठाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है एक बुक है, उनके जो श्लोक्स है उसको पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इधर इन हिंदी इंग्लिश और वॉट एवर लैंग्वेज, और उनके लेटरल मीनिंग को उठा के वो समझते हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जब भी हम स्पिरिचुअल वोकैब की बात करते हैं, जब भी हम ऐसी चीजों की बात करते हैं जो हमारे ओल्ड बुक्स रहे, जैसे हमारे शास्त्र रहे, जैसे हमारे विवेदात रहे, गीता है, या जितने भी ऐसे होली बुक्स है, वहां पर अगर हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पे जाएंगे तो हम या तो उस चीज को गलत समझेंगे, या तो हम उस चीज को आधा आधा समझेंगे, जो कि दोनों केस में बहुत ज्यादा रॉन्ग है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हमें इन चीजों को ढंग से समझना, अगर हमें इन चीज को ढंग से इंप्लीमेंट करना है, तो वी शुड नॉट बी इंक्लाइंड अपन दैट वर्ड बाय वर्ड मीनिंग ऑफ द श्लोक्स। द श्लोक्स आर मच बियॉन्ड, जो भी लाइंस वहां पर लिखे हैं दे आर मच बियॉन्ड एंड अबव देयर लिटरल मीनिंग्स, और ये आजकल के लोग समझते ही नहीं, उन्हें ऐसा लगता है बुक पढ़ लिया, ट्रांसलेट कर लिया और हो गया, विच इज कंप्लीटली एंड 100% रॉन्ग। पॉइंट नंबर टू, पार्शियल इंप्लीमेंटेशन। काफी लोग अगर चीजों को समझ भी जाते हैं तो वो ना अपने हिसाब से उसको डाइसेक्ट करते हैं कि अगर मुझे उस चैप्टर के वो श्लोक अच्छा लगा तो मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा, अगर मुझे उस चैप्टर का वो श्लोक अच्छा नहीं लगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा, विच इज आई गेस रॉन्ग। बिकॉज वाई, इट इज अ होलसम बुक। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि ये हमें एक पूरा होलसम आइडिया देती है ऑफ हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ, हमारी चीजें कैसे होनी चाहिए, और तुम उसके बाद में उन आइडियाज को अपने हिसाब से काटने छाटने लगोगे कि मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है तो मैं उनको इंप्लीमेंट करूंगा, मुझे वो अच्छा नहीं लगता तो मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। इसका मतलब कि यू आर नॉट फॉलोइंग द बुक एज अ होल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर तुमने आइडियाज को अपने हिसाब से डाइसेक्ट किया तो वहां पर तुम्हारे खुद की जजमेंट आ जाएगी, और जहां पर तुम्हारे खुद की जजमेंट आ गई, इसका मतलब है कि यू आर नॉट फॉलोइंग दैट बुक, यू आर नॉट यूजिंग दैट होली बुक टू इट्स फुल पोटेंशियल, और कहीं ना कहीं ये चीज तुम्हें उल्टा में हार्म भी कर सकती है। तो अगर तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो तो एक तो सबसे पहले तो ढंग से समझो उसको, और ढंग से समझने के बाद उसको इंप्लीमेंट करो तो अच्छे से करो, अपने हिसाब से, उसमें अपने जजमेंट्स मत डालो, उसमें अपने फॉर्म्ड ओपिनियंस मत डालो, वो जैसी बुक है उसको एज इट इज वैसे समझो। पॉइंट नंबर थ्री, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर भाई एक ना बहुत बड़ी बात है, मैंने कितने लोगों को देखा है जो भगवद गीता का एक चैप्टर एक श्लोक पढ़ के अपने आप को समझते कि मैं तो पता नहीं कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल हो गया हूँ। लोगों को लगता है कि मैंने बुक पढ़ लिया तो अब तो मुझे सब कुछ आ गया, मेरे को तो जीवन का ज्ञान हो गया। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, दिस थिंग वेरी वेरी फंडामेंटली डिस्ट्रॉयज द आइडिया विच भगवद गीता इज ट्राइंग टू कन्वे। वहां पर बात होती है वननेस की, वहां पर बात होती है हम सब एक है, वहां पर बात हो सकती है हम सबकी एनर्जी सेम है, और लोगों को क्या होता है एक श्लोक पढ़ लिया, भाई हम तो बहुत ज्ञानी हो गए, तुम तो छोटे आदमी हो, तुम्हें तो कुछ नहीं पता, देखो मैंने भगवत गीता में पढ़ी है, विच इज रॉन्ग। यहां पर तुम्हारे मन में अगर उस बुक को पढ़ के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, चाहे वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो चाहे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, एनी कॉम्प्लेक्स इज बैड। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब तुम भगवत गीता को पढ़ रहे हो तो तुम्हारा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि द मेन फंडामेंटल सोल एम ऑफ दैट बुक इज टू मेक यू रियलाइज कि यहां पर एग्जिस्टेंशियली हम सब सेम है, और जहां पर हमारी सेम होने की बात होती है वहां पर ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। और अगर तुम्हारे मन में वो चीज आ रही है, इसका मतलब तुम उस बुक को गलत वे से पढ़ रहे हो, दैट इज फॉर श्योर, 100% श्योर। पॉइंट नंबर फोर,
ओनली भगवत गीता, ओनली भगवत गीता, ओनली भगवत गीता, उस चीज को पढ़ो और बाकी सारे लोग बेकार हैं। मैंने जो भगवत गीता में पढ़ा वही सही है, उसके अलावा जितने स्पिरिचुअल गुरुज हैं और जितने लोग हैं सारे लोग बेकार हैं। बस वो बुक सही है और उसमें जो लिखा है वही सही है, भले तुम उस बुक को राइट समझो या रॉन्ग समझो। देखो बहुत बार क्या होता है, मतलब मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, तुम स्कूल जाते हो, स्कूल में तुमने कोई बुक पढ़ी, मान लो तुम्हारे मैथ्स का क्या सब्जेक्ट है और तुमने मैथ्स उठाया, तुमने एक क्वेश्चन देखा, एग्जाम्पल देखा और तुम्हें वो क्वेश्चन समझ में आ गया, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें वो क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअली में तुमने उस क्वेश्चन को रॉन्ग वे से समझा है। अब कोई टीचर आ रहा है और तुम्हें बता रहे कि बेटा तुमने जो इस ढंग से समझाया ना ये सही नहीं है, सही वे ये है, लेकिन तुम बोलोगे नहीं 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 मैंने तो एग्जांपल में ऐसे ही समझाया, ये सही है, आप रॉन्ग हो। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग विद आजकल के लोग, बिकॉज उनका क्या होता है वो बुक पढ़ लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम समझ गए भले उनकी अंडरस्टैंडिंग कितने भी रॉन्ग हो, और फिर बाकी जितने स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं और खासकर आजकल जो मॉडर्न गुरुज है जिनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो सदगुरु है, चाहे वो श्री श्री हो, चाहे वो आचार्य प्रशांत, जितने भी लोग हैं आई रिस्पेक्ट देम फ्रॉम द कोर ऑफ माय हर्ट एंड आई टेक एब्सोल्यूट फेथ इन दैट स्टेटमेंट। आजकल क्या हो गया, लोगों को वो बुक पढ़ेंगे भगवदगीता, उनकी इंटरप्रिटेशन कितनी भी रॉन्ग हो कितनी भी राइट हो उसको ही मानेंगे, ना कुछ उनको समझने की कोशिश करनी है, बस आजकल के लोगों को गालियां देनी है, बस स्पिरिचुअल लाइफ में जो भगवदगीता के आइडिया उनको ही मानना है, बाकी हर एक आइडिया को डिस्कार्ड करना है। अगर मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कुछ हैं और फॉर सम रीजन वो भगवदगीता में तुम वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को पा नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो रॉन्ग होगा, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। अगर मेरा एक्सपीरियंस कुछ है और अगर वो भगवदगीता में इन एनी चांस नहीं लिखा है तो ऐसा नहीं है कि वो एक्सपीरियंस रॉन्ग है, इसका मतलब ये कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ है। तो ये जो आइडिया है ना कि जो उसी बुक में लिखा है मैं उसको ही मानूंगा, उसके अलावा सब बेकार है, उसके अलावा सब बेकार है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। बिकॉज भगवदगीता का मेन एम ये है कि तुम फ्लेक्सिबल हो जाओ, तुम समझो कि ओपिनियंस होते हैं, इन चीज़ों को बड़े अच्छे से वहाँ पे बताया गया है। और आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, जो लिखा है मैं वही मानूंगा, तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, ऐसा नहीं होता। तुम जो भी बुक पढ़ रहे हो उस बुक के कोर को समझो, उस बुक के फंडामेंटल को समझो। सो ये जो प्रॉब्लम है ना भगवदगीता रीडर्स के नाम पे, जो भगवदगीता का जो कूल बुक समझते हैं एज अ फैंसीनेस कि भाई गीता पढ़ रहा हूं मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, ऐसा नहीं होता। बट आर यू नो व्हाट इज द सॉल्यूशन, तुमने इतना तो बोल दिया पर क्या किया जाए। तो देखो द सॉल्यूशन एंड द राइट वे टू रीड भगवदगीता, पहला स्टेप इज टू मेडिटेट। तुम्हें मेडिटेशन करना पड़ेगा तो ही तुम्हें चीजें समझ में आएगी। देखो तुम मेरे साथ एक्सपेरिमेंट कर लो, तुम मेरी बात मानो मत, एक्सपेरिमेंट कर लो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम अगर गीता पढ़ते हो या फिर तुम कोई भी बुक पढ़ते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या ना हो, तुम कोई भी बुक पढ़ते हो, उस बुक को पढ़ो एक दिन बिना मेडिटेशन के, अगले दिन सेम बुक को मेडिटेशन करने के बाद पढ़ो, तुम्हारी रिसेप्टिविटी बढ़ेगी। मेरा जो पहला पॉइंट था, तुम्हारी रिसेप्टिविटी बढ़ेगी और वो इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी रिसेप्टिविटी को बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। चीजों को वर्ड बाय वर्ड समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम चीजों को अपने अंदर इम्बाइब करो, और वो इम्बाइब वो चीज तुम्हारे अंदर तभी आएगी जब तुम मेडिटेट करोगे। तो इन बुक्स को पढ़ने से पहले तुम्हारे मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें क्या लगता है कि ये जो लोग कहते हैं कि भगवदगीता पढ़ने से पहले नहा के पढ़ो, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कोई जम्स लग जाएंगे? नो, नहा धो के पढ़ने, तुम्हें मेडिटेट करके पढ़ने इसलिए बोला जाता है कि तुम्हारा दिमाग खुले, तुम्हारी रिसेप्टिविटी बढ़े। लेकिन लोग समझते नहीं, उनको लगता है कि नहा के बोला जा रहा है, अंधविश्वास है, ऐसा नहीं होता। वो तुम्हारे दिमाग की रिसेप्टिविटी कि तुम चीजों को ढंग से रिसीव कर पाओ, ना कि वर्ड बाय वर्ड मन पढ़ के छोड़ दो। ऐसे कितने लोगों को मैंने देखा है जो भगवदगीता पूरे टाइम पढ़ते, पूरे टाइम भगवदगीता का नाम जपते रहते हैं, लेकिन उनके लाइफ में उनके सबसे ज्यादा दुश्मन है। वाई? बिकॉज उनको समझना ही नहीं आता कि भाई भगवदगीता एक्चुअली है क्या। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पढ़ लेने से नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम इस बात को समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी ऊपर जाएगी, वरना नहीं तो भाई करते रहो। सो दैट वॉज द फोर्थ एपिसोड ऑफ सिंप्लीफाइंग स्पिरिचुअलिटी, वेयर आई टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम विद आजकल के भगवदगीता के रीडर्स एंड व्हाट इज द राइट वे टू रीड भगवदगीता, टू मेडिटेट एंड देन रीड। मैं भगवदगीता पे और वीडियोज बनाऊंगा, अभी तो बहुत सारा कॉन्टेंट है, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and do watch me other videos. I post spiritual and analytical videos. That is it from my side. Thank you and bye. वैसे हाँ, अगर तुम यहाँ तक रुके गए तो I am now thinking कि यार अब I will not be uploading daily because I need to upgrade my content थोड़ा सा, because हर दिन upload करने से I don't get enough time to upgrade my content. So हाँ, तो थोड़ा सा मैं time लूँगा maybe alternative days में. So do subscribe to my channel और bell icon को दबा देना ताकि तुम्हें पता चल जाए. So that is it from my side. Thank you and bye.